दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों की क्वेरीज होती है मेरे पास कि सर, हम अपने डॉग को ट्रांसपोर्टेशन कराना है, हमें प्रोसेस के बारे में बताइए कि प्रोसेस कैसे है और क्या क्या एक प्रोसेस होता है पूरा, कैसे इस तरीके को अपने डॉग को हम ले जा सकते हैं, कैसे हमने अपने डॉग को बाहर भेजना है, फ्लाइट से बताओ, ट्रेन से बताओ। तो दोस्तों, अगर मैं फ्लाइट और ट्रेन से दोनों से बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं आपको आज की इस वीडियो के अंदर ट्रेन के बारे में बताने वाला हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर आप जान पाएंगे कि भाई ट्रेन से अपने डॉग को जो भेजने के प्रोसेस होते हैं वो क्या क्या होते हैं। ऐसे मैं आपको चार बातें बताने वाला हूँ जो कि ट्रेन ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको आप अपने पेट को लेके जाना चाहते हैं। आपका कोई भी डॉग हो, छोटा डॉग हो, पपी डॉग हो, पपी की एज कितनी होनी चाहिए और क्या क्या डॉक्यूमेंट की नीड है, सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर पता चल जाएगा। वीडियो को एंड में देखना और मैं आपको कॉस्ट भी बता दूंगा आखिरी में कि भाई कितनी कॉस्ट जो है आप अपने आप से करोगे तो जो है आपकी लग सकती है। और पूरे ऑल ओवर इंडिया पेट शिपिंग कराने के लिए अभिषेक डॉग ट्रांसपोर्टेशन, हम पूरे कई सालों से हम पेट ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं पूरे इंडिया के अंदर। और आप वीडियो के अंदर समझिए, अगर आप खुद से, अगर मान के चलिए बहुत से लोग होते हैं कि सर उनको इमिजिएटली मैं खुद से लेके जाना होता है तो मुझे कॉल करते हैं कि सर कैसे लेके जाए, हमें कुछ सलाह करो कुछ। बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं कि सर मुझे बस आप बता दो कि कैसे लेके जाना है, और बहुत से वो, पर मैं उनको कहता हूँ कि कोई बात नहीं, आप प्रॉपरली वीडियो देख लो हमारी, और मैं आपको एक वीडियो भी ये जो बना के दे रहा हूँ इस वीडियो में आपको पूरी नॉलेज मैं दे दूंगा कि अगर आप खुद से लेके जाना चाहते हो तो आप कैसे लेके जा सकते हो। तो वीडियो को पूरा देखिए, उससे पहले मेरा नाम जान लीजिए। मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और आप देख रहे हैं अभिषेक डॉग ट्रांसपोर्टेशन। आपको हमारे चैनल के ऊपर यूं ही पेट ट्रांसपोर्टेशन की वीडियोस देखने को मिला करेगी रोज। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सबसे पहले पॉइंट की। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो आपका पेट है उसके प्रॉपरली वैक्सीनेशन उसकी होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप उसको ट्रेन में लेके जा सकते हो। अगर उसकी प्रॉपर वैक्सीनेशन हो रखी है, उसके टीके वगैरह लगे हुए हैं, इंजेक्शन लग रखे हैं, प्रॉपर वैक्सीन का जो कार्ड है वो पूरा आपके पास है, तब तो आपके पास एक वो होता है कि भाई इसके वैक्सीन लग रखी है, तो उसके वैक्सीन का जो एक पेज चाहिए होता है आपको, प्रिंट आउट, उसको फोटोस्टेट बोल लो, जीरोक्स बोल लो, तो आपको एक कॉपी जीरोक्स की चाहिए वैक्सीन के कार्ड की, वो आपको चाहिए ही चाहिए। दूसरा, जो आपका पपी की एज होनी चाहिए, जो छोटा पपी है, कोई सी भी ब्रीड हो कोई मैटर नहीं करता, कोई दूसरे जो आपकी पपी की एज होनी चाहिए वो कम से कम भी 45 to 60 days होनी चाहिए, ठीक है ना जी। मतलब कि 45 से 60 दिन से ऊपर का ही बच्चा होना चाहिए, 45 दिन से ऊपर का ही बच्चा होना चाहिए। छोटा पपी है होता है जो, उसकी ट्रांसपोर्टेशन नहीं करनी चाहिए और उसको नहीं भेजना चाहिए कहीं से भी, वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा छोटा पपी। तो पपी की एज थोड़ी ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए, और मैं आपसे यही विनती करता हूँ कि छोटा पपी कभी भी ट्रांसपोर्ट ना करो, ठीक है। बड़ा पपी करो जो आसानी से सफ़र के अंदर जो है लंबे सफ़र के अंदर अच्छे से वो रह सकता है। बड़े डॉग तो आप जैसे मर्जी कर सकते हो। अब बात कर लेते जी, अगर आपका जो 45 days का पपी है, उस पपी को आपको जो लेकर जाना है कैसे लेकर आपको जाना, देखिए एक छोटी बास्केट आती है पैट की, बास्केट आप मेरी वीडियोस में देखते हो, हम कस्टमर को जो पैट भिजाते हैं तो वो बास्केट और केज वगैरह आप मेरी वीडियो में अक्सर देखते हो ना, हाँ, तो वही एक बास्केट होती है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आई बटन में भी आपको उसकी वीडियो दे दूंगा प्रॉपरली क्या बास्केट होती है कैसे होता है, ठीक है। तो वो आप वहाँ से परचेज भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको मैं उसका बास्केट का लिंक दे दूंगा, ठीक है। वो बास्केट आप लो, ज़्यादा नॉर्मल बास्केट नहीं आती, अच्छी क्वालिटी की 400-500 की बास्केट आती है, तो वो बास्केट के अंदर आप पपी को अच्छे से आना चाहिए, पपी छोटा नहीं होना चाहिए, और मतलब बास्केट छोटी नहीं होनी चाहिए, पपी भी छोटा नहीं होना चाहिए, दोनों चीज़ें छोटी नहीं होनी चाहिए, बास्केट भी बड़ी हो और पपी भी 45 दिन से बड़ा हो, ठीक है। और पहला आपके पास हो गया वैक्सीनेशन का कार्ड, दूसरा हो गया वैक्सीन। तो हमने दो पॉइंट को इस वीडियो में कवर कर लिया। अब देखिए जो मेन तीसरा पॉइंट है वो होता है भाई, बहुत से लोगों की जो इंक्वायरी होती है, कहते हैं भैया हेल्थ सर्टिफिकेट लेके जाना है या वैक्सीनेशन का कार्ड लेके जाना है। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं दोस्तों। हेल्थ सर्टिफिकेट जो आपका काम आता है वो आता है फिट एंड ट्रैवल के। अब इसको समझ लीजिए, देखिए फिट एंड ट्रैवल का मतलब, जैसे मान के चलिए आपने अपने पेट को लेकर जाना है कल, ठीक है, आपको दिल्ली का एग्जांपल ले लेते हैं कि आपको भाई दिल्ली से हमारे पास अंबाला मान लो या चंडीगढ़ मान लो, ठीक है, आपको लेकर जाना है, तो आपको कल लेकर जाना है, तो आपको अपने पेट को एक दिन पहले डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा, वहाँ लेकर जाने के बाद उसका पूरा मेडिकल करवाना होगा आपको, ठीक है। फिट एंड ट्रैवल का, फिट एंड ट्रैवल का मेडिकल बनता है कुछ, नॉर्मली डॉक्टर उसको चेक करते हैं प्रॉपर, और अगर वो फिट होता है तो डॉक्टर उसका मेडिकल बना देते हैं कि आपका पेट बिल्कुल फिट है, ये ट्रैवल कर सकता है ट्रेन से, तो आपको वो अपने डॉक्टर जो है स्टंप लगा के दे देंगे अपने लेटर पैड पे, अपने मेडिकल पे, और साथ में लिख कर भी दे देंगे कि हाँ जी ये फिट एंड फ्राई अच्छा है, हमने चेक कर लिया, ये हमारी अप्रूवल है। उसके बाद आपको वो सर्टिफिकेट ओरिजिनल और उसकी एक जीरोक्स कॉपी, ये दो आपको लेकर जाने हैं रेलवे स्टेशन पर। और तीसरा जो मेन पॉइंट है वो है आपका आधार कार्ड।
आप अपना आधार कार्ड या अपना ड्राइविंग लाइसेंस, ये दोनों ही मेन है क्योंकि दोनों पे एड्रेस होता है गाइस, ठीक है। तो आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस आप लेकर जाए, ऐसे डॉक्यूमेंट जिसके पीछे आपके एड्रेस हो, तो वो उसकी फोटोकॉपी आप जरूर लेकर जाए, ठीक है। तो आपके तीन जो डॉक्यूमेंट है वो तो कंपलसरी लगेंगे, मेडिकल, वैक्सीनेशन कार्ड और आधार कार्ड। और उसके बाद आपकी जो टिकट है कंफर्म है, उस टिकट का पीएनआर नंबर लगेगा। आप पार्सल ऑफिस पर जाएं, पार्सल ऑफिस पर जाने के बाद आप उसकी बुकिंग करा लीजिए। अब बात कर लेते हैं हमारे लास्ट पॉइंट की, जो आपके लिए एक मैं आपको बताने वाला था वीडियो के लास्ट में, वो यही बताने वाला था कि कितनी कॉस्ट आ जाती है। तो देखिए दोस्तों, अगर वो सारी जो कॉस्ट होती है ये सफ़र के हिसाब से कॉस्ट होती है। अगर मान के चलिए, अगर आपको अपने पेट को फर्स्ट एसी में लेकर जाना है तो आपको पूरा कैबिन और पूरा कूपे बुक करवाना पड़ेगा, जो कि कई हज़ारों में होता है। क्योंकि कैबिन जो होता है वो कैबिन होता है चार लोगों का, और जो कूपे होता है वो होता है दो लोगों का, ठीक है। तो आपको वो सब कुछ कराना है, पर उसमें क्या है, उसमें आपको एसी वाली पूरी फैसिलिटी मिलती है, आप एसी में ले जा सकते हो। फिर अगर आपको उसके अलावा दूसरे डॉग बॉक्स में लेकर जाना है तो फिर उसके लिए एक अलग प्रोसेस होता है। उसके लिए जो आपको एक अपना बंदा साथ में भेजना है, और फिर उसके साथ आपको प्रॉपरली डॉग का फूड वगैरह का ध्यान रखने के लिए लड़के को वहाँ पे प्रेजेंट रखना है जब तक आपकी डेस्टिनेशन चल रही है, तो हजारों का खर्चा उसमें भी होता है दोस्तों। और तो खर्चा कुछ सफ़र के हिसाब से और हज़ारों के हिसाब से खर्चा होता है। बाकी अगर आपको कहीं भी पेट ट्रांसपोर्टेशन करानी है, आप लोग हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी पूरी टीम ऑल ओवर इंडिया पेट शिपिंग ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइड करा रही है। पिछले कई सालों से हम हिंदुस्तान का ऐसा कोई कोना ही नहीं है जहाँ पे हमने पेट ट्रांसपोर्टेशन नहीं कराई। हमारे रिव्यूज़ हमारे चैनल के ऊपर पड़े हैं, कस्टमर के रिव्यूज़, और हम बाय ट्रेन, बाय फ्लाइट और बाय कार। कार का क्या है, कार से हम कैसे लेके जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं कि भाई कार से क्या क्या कैसे कैसे लेके जाते हैं, उनको कितनी कितनी जगह मिलते हैं, क्या हम उनको खाना पीना खिलाते हैं। तो देखो दोस्तों, खाना पीना सबको, पपी को टाइम पे मिलता है, सब कुछ ओके होता है, ठीक है। और जो कार के बारे में वीडियो है वो आपको मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस है जिसमें हम कार में डॉग लेके जाते हैं, और वो वीडियोस मैं आपको बना के नवी वीडियो बना के दे दूंगा सारा प्रोसेस के बारे में, ठीक है। कार से भी आप समझ सकते हैं, उसमें भी एसी होता है, आपको उसमें भी एसी सर्विस मिलेगी और आपका पेट बिल्कुल फिट फाइन जाएगा। आखिरी में दोस्तों, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आपके पेट की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभिषेक डॉग ट्रांसपोर्टेशन हमारी है जी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे नंबर मिल जाएंगे। पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पिकअप से जब तक आपके पास डिलीवरी नहीं होता पेट, हमारे पास वो रहता है, तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी, मतलब हमारी, ठीक है जी। प्रॉपर उसको खाना खिलाते हैं टाइम से, आपके डॉग को या आपके पेट को, पैट डॉग और बिलिया, हम ये दोनों ज़्यादा ट्रांसपोर्ट करते हैं, डॉग और बिलिया। तो हम प्रॉपर उनको खाना खिलाते हैं प्रॉपर टाइम से, जो कस्टमर टाइम टेबल बताते हैं हमें, जो भी हम कस्टमर से हमारी इंक्वायरीज होती है, उसके बाद हम कस्टमर से उसके बाद प्रॉपर टाइम से वीडियो मिलती है कस्टमर को। जब खाना खुना खिला रहे हैं तो हम एक वीडियो बनाते हैं जिससे हम कस्टमर को वो वीडियो सेंड कर देते हैं, ठीक है। तो प्रॉपरली वीडियो और प्रॉपरली खाना वगैरह सब कुछ टाइम टू टाइम मिलता है। और कुछ जब आपको पेट ट्रांसपोर्टेशन करानी है तो आप लोग हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पर्सनल में आपको मोर डिटेल्स मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना, और जिनको भी पेट ट्रांसपोर्टेशन करानी है उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हो, अभी कर दो शेयर, ताकि वो भी अपने पेट को कहीं ले जा सके आपकी मदद से, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, यूं ही आपको वीडियोस देखने को मिला करेगी हमारे चैनल के ऊपर पेट ट्रांसपोर्टेशन वाली। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपसे इजाज़त चाहता हूँ, नेक्स्ट वीडियो का आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन, बेल आइकन को जरूर दबा देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।